सकती है। अगर सचिन सचिन बना है ना, तो सचिन ने 150 की स्पीड की बॉल अपनी बॉडी पे खाई है, उसके कितनी बार दांत टूटे हैं, उसका कितनी बार गेंद ने सर फोड़ा है, उसकी वो गेंद कितनी बार उसके पेट में लगी है, वो गेंद कितनी बार उसके पैरों में लगी है, उससे पूछिए जाके, अमिताभ बच्चन से जाके पूछिए कितनी बार उसने असफलता झेली है। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। डॉक्टर बनना है तो भाई साहब सुई लगाना सीखना पड़ता है, डॉक्टर बनना है तो रातों रात जागना पड़ता है, टीचर बनना है तो रातों को पढ़ाई करनी पड़ती है, एडवोकेट बनना है तो रातों को पढ़ाई करनी पड़ती है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने किताब खोल के ना देखी हो और वो जज बन गया हो जाते। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको देश सेवा करनी है, आपको फौज में जाना है तो सुबह 4 बजे उठ के आपको दौड़ मारनी पड़ेगी, आपको पुलिस में जाना है तो आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, आपको पुशअप मारने पड़ेंगे, आपको अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी, आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, आपको सारे काम करने पड़ेंगे, तब आप एग्जाम में सेलेक्ट हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी कीमत आप ना चुकाओ और आपको सफलता मिल जाए। ऊपर वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। एक आदमी घर में बैठा प्लान फॉलोअप नहीं कर रहा है और एक आदमी बाहर मार्केट में जाके प्लान फॉलोअप कर रहा है, तो ऊपर वाला सफलता हमेशा उसी को देता है जो बाहर जाके प्लान फॉलोअप करता है। घर में बैठे हुए आदमी को कभी सफलता नहीं देगा, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर घर में बैठे हुए व्यक्ति को सफलता दे दी तो ऊपर वाला अन्याय कर सकता है। और आपने कभी सुना नहीं होगा कि ऊपर वाला किसी के साथ अन्याय करता हो। ऊपर वाला हमेशा मेहनत का फल देता है और आज नहीं तो कल कीमत चुकानी पड़ती है। एज एग्जाम्पल देखिए, आदमी नैनो लेने के लिए जाता है तो नैनो की कीमत 3 से 4 लाख रुपए होती है। 3 से 4 लाख में नैनो, सिर्फ नैनो का मजा दे सकती है। 10 लाख रुपए में गाड़ी 10 लाख वाला मजा दे सकती है, 20 लाख की गाड़ी 20 लाख वाला मजा दे सकती है। और मेरे भाई, अगर आपको बड़ा मजा लेना है तो एस क्लास की कीमत चुकानी पड़ेगी। हर चीज की कीमत होती है। आप 3 लाख रुपए में सोचो एस क्लास का मजा आ जाए तो ये आ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। हाँ एक चीज जरूर है, एक काम हो सकता है, 4 बैठते हैं नैनो में, 4 ही बैठते हैं एस क्लास में, हॉर्न दोनों में ही लगता है, हॉर्न दोनों में ही है, म्यूजिक दोनों में बजेगा, एसी दोनों में चलेगा, लेकिन तुम्हारी नैनो के साथ कुतिया सेल्फी ना ले, ये बात याद रखना। एक गली का कुत्ता नहीं आएगा जो भौंकेगा नैनो देख के बोले सेल्फी ले लो मेरे साथ ना। लेकिन जब आप लग्जरी गाड़ी लेके जाओ, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं पागल नहीं हूं, ये लोग पागल नहीं है, 3-3 करोड़ रुपए की एस क्लास खरीदते हैं। क्यों मालूम है उनको? 3 करोड़ रुपए की जब एस क्लास खरीदता है ना आदमी, जब एस क्लास में आदमी पीछे बैठता है ना, जब पीछे बैठ के जिसको फील आता है ना, वो फील ही अलग होता है, फील ही अलग होता है। मेरे गाड़ी में जितने लोग एस क्लास में बैठे हैं उनसे पूछना कभी एस क्लास का मजा क्या होता है। और कभी आपको बैठना हो, कभी मैं आपके सेंटर पे आऊं, कभी आपके शहर में आऊं, तो एक बार एस क्लास में बैठ कर देखना, एस क्लास में पीछे की सीट में बैठ कर देखना क्या मजा आता है। ऐसा लगता है भाई साहब जैसे आप जन्नत में बैठे हो, जन्नत। जब वो बैठ के जब मसाज करती है ना, जब उसमें मसाज चलती है, पैर पे पैर रख के बैठते हैं और सनरूफ भी रंग बिरंगा सनरूफ होता है, और जब गाड़ी अपने आप चलती है, कोई सामने से गाड़ी आती है तो अपने आप रुकती है, क्या क्या बढ़िया बढ़िया फीचर्स होते हैं, क्या बढ़िया बढ़िया म्यूजिक चलता है। म्यूजिक तो दोनों गाड़ी में होता है, लेकिन एक गाड़ी में म्यूजिक कैसा है, एक गाड़ी में म्यूजिक कैसा है, क्या मजा आता है दोस्त। और जब चलती है तो अंदर पता भी नहीं पड़ता गाड़ी चल रही है बंद खड़ी है, जब आता है ना, जो फील आ सकता है, जो मजा आ सकता है। रसगुल्ले का स्वाद रसगुल्ले को देख के नहीं बताया जाता, रसगुल्ले को खाके बताया जाता है कि इसके अंदर स्वाद कैसा है। एस क्लास को दूर से देख के नहीं, एस क्लास के अंदर बैठ के ये फील किया जा सकता है, एस क्लास है क्या। तो जीवन में याद रखना, आपको हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको डायमंड बनना है तो डायमंड की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ब्रॉन्ज बनना है तो 3 की टीम बनानी पड़ेगी, और आपको डायमंड बनना है तो 1000 की टीम बनानी पड़ेगी। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ब्रॉन्ज बनना है तो कम ना सुनने पड़ेंगे, डायमंड बनना है तो ज्यादा ना सुनने पड़ेंगे, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए बड़े नहीं बन सकते, सीखना पड़ेगा, बिना सीखे बड़े नहीं बन सकते। देखो क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग केवल ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सो रहे होंगे तब भी पैसा बनता रहेगा। कब होगा ये कब होगा? जब आप बिजनेस को सीख जाएंगे और आपके डाउनलाइन में लोग बिजनेस को सीख जाएंगे तब होगा। आप भी सीखोगे और आपके डाउनलाइन में लोग सीख जाएंगे तब होगा ये काम। और आप ना तो आप सीख रहे हो, आप ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हो, आप सुबह 7:30 बजे वाली जूम मीटिंग होती है आप उसमें नहीं आते हो, आप नहीं आते हो तो आपकी डाउनलाइन नहीं आती है, आप
आप ट्रेनिंग में नहीं जाते हो, आपकी डाउनलाइन नहीं आती है, आप सीखने के सब पैसा बचाते हो, ठीक है, तो सफलता नहीं मिलेगी दोस्त। जीवन में याद रखना,